बहुत परेशान थे लोग इस बात को लेके कि अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा। मीडिया में भी बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स आ रही थी, मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों के बारे में रिपोर्ट की जा रही थी कि लोग दुखी हैं कि क्वारंटीन सेंटर जाना अपने आप में एक और बड़ी बीमारी है, वो भी तब जबकि आप होम आइसोलेशन के लिए फिट हैं। अगर आप ज़्यादा बीमार हैं तब भी पहले क्वारंटीन सेंटर जाके चेक कराना, उसके बाद में घर आना या हॉस्पिटल जाना। तो ये रिपोर्ट्स पिछले दिनों में बहुत आ रही थी, तो आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। पिछले फ्राइडे तक दिल्ली में जो व्यवस्था लागू थी वो ये थी कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना पाया जाता है तो उसको पहले उसके घर पे दिल्ली सरकार की ओर से एक मेडिकल टीम जाती थी। वो मेडिकल टीम ये चेक करती थी कि उस व्यक्ति को बुखार तो नहीं है, उसका ऑक्सीजन तो कम नहीं है, टेम्परेचर वगैरह चेक करती थी, उसके घर की स्थिति भी देखती थी कि वो होम आइसोलेशन में रह सकता है कि नहीं रह सकता। अगर उसको कोई सिम्टम नहीं होता था और वो घर ठीक है उसका, तो उसके बाद उसको होम आइसोलेशन के लिए सलाह देती थी। अगर वो बीमार है, उसको कोई बीमारी ज़्यादा है या कोमॉर्बिडिटी है, तो उसको फिर हॉस्पिटल भेजती थी। और अगर उसके घर में स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ कोई कमरा नहीं है उसके रहने के लिए, तो फिर उसको क्वारंटीन सेंटर ले जाती थी। ये पिछले फ्राइडे तक की स्थिति थी। लेकिन पिछले सैटरडे को केंद्र सरकार ने और एलजी साहब ने पहले तो होम आइसोलेशन बंद कर दिया, बोले कि हर पेशेंट को 5 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी होगा। फिर उनसे बात करके इस आदेश को जैसे तैसे वापस कराया, तो उसके बाद एक और आदेश दे दिया केंद्र सरकार की ओर से कि हर व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी होगा पॉजिटिव पाए जाने पर, भले ही उसको बाद में होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत दे दी जाए। अब 100 डिग्री, 102 डिग्री, 103 डिग्री अगर किसी को बुखार है, वो पहले क्वारंटीन सेंटर जाएगा ये दिखाने कि भाई मुझे चेक कर लो और मेरा घर देख लो मेरे पास में, तो ये कैसे हो जाएगा? ये तो उसकी तकलीफ बढ़ाने वाली बात हो गई। पहले से ही बीमार आदमी है और उसकी तकलीफ बढ़ाओ। जो आदमी ठीक भी है उसको पता चल रहा है मुझे कोरोना है, उसको भी हम कहते थे जाओ भाई पहले क्वारंटीन सेंटर जाओ। तो इससे लोग बहुत दुखी थे, तो इसके लिए भी हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया था। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने हमारी बात मान ली। अब फिर से दिल्ली में वही सिस्टम लागू हो गया कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो आप अपने घर पे रहिए, वहीं आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और दिल्ली सरकार की मेडिकल टीम आपके घर पे आके आपके घर की स्थिति देखेगी, आपके शरीर की स्थिति देखेगी। अगर टेम्परेचर नहीं है, अगर कोई और ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वहीं घर पे ही रहने की इजाज़त दे देगी, और अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल भी आपको फिर जाने के लिए कहेगी। तो ये जो व्यवस्था बीच में लागू हुई 3-4 दिन के लिए, अब ये खत्म हो गई है। वापस होम आइसोलेशन में रहने के लिए, अगर आप होम आइसोलेशन में रहने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो बीच में सिस्टम लागू हुआ था। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि होम आइसोलेशन एक बहुत शानदार व्यवस्था है, जो दिल्ली में सारे देश में सबसे शानदार तरीके से चली है, और करीब 30,000 पेशेंट्स इससे ठीक हुए हैं। तो जो व्यवस्था अच्छे तरीके से काम कर रही हो, जो शानदार तरीके से चल रही हो, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। लोगों को परेशानी बढ़ती है इस तरह की व्यवस्थाओं से बंद करने के लिए। तो मुझे खुशी है कि आज वापस वो फैसला ले लिया गया और केंद्र सरकार ने भी हमारी बात मान ली, और आज एसडीएमए की मीटिंग में फैसला लेके उस ऑर्डर में मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें लिख दिया गया है कि जिन लोगों के जो हमारे टेस्ट सेंटर्स हैं वहाँ टेस्ट हो रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग तो वहीं हो जाएगी जो रैपिड टेस्ट होते हैं, और बाकी लोगों के लिए ऑर्डर में लिख दिया गया है कि द पेशेंट शैल बी अलाउड होम आइसोलेशन इफ एज पर असेसमेंट ऑफ होम आइसोलेशन टीम सेंट बाई डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर, द पेशेंट इफ द पेशेंट इज माइल्ड या प्री सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक अनलेस ही और शी इज हैविंग कोमॉर्बिड कंडीशन एंड हैज ए रेजिडेंस ऑफ टू रूम्स और ए सेपरेट रूम एंड ए सेपरेट टॉयलेट फॉर द पेशेंट, ही विल बी अलाउड फॉर होम आइसोलेशन। मतलब अगर आपका 2 कमरे का घर है या आपके घर में आपके लिए एक सेपरेट कमरा है और सेपरेट टॉयलेट अवेलेबल है, तो फिर आपको
सिम्टम्स ना होने की स्थिति में घर में ही रहना है और होम आइसोलेशन ही कोरोना की सबसे बड़ी इलाज के रूप में सामने आई है, इसलिए ये एक अच्छी चीज़ है। थैंक यू।